बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम थ्री डायमेंशनल एनालिसिस की है। द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी विल टच द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सबसे पहले जिस एलिप्सॉइड पे टेंजेंट प्लेन की बात हो रही है उस एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड, ये हमारा एलिप्सॉइड का इक्वेशन ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू वन। ऐसे इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे। अब जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, जो टेंजेंट प्लेन है इस एलिप्सॉइड का, उसका इक्वेशन लिख दें। द इक्वेशन ऑफ गिवन टेंजेंट प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं। अब हम ये मान लेंगे कि जो हमें एलिप्सॉइड इक्वेशन नंबर वन में दे रखा है, माने कि ये एलिप्सॉइड है इक्वेशन नंबर वन में जो हमको दे रखा है, इसके किसी पॉइंट माना कि पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट है एक्स वन कमा वाई वन कमा जेड वन। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर टू से डिनोट है, यानी ये एलिप्सॉइड इक्वेशन नंबर वन से डिनोट है ये सरफेस, और ये प्लेन जो है वो इस पॉइंट पर ये प्लेन है वो ये है, यानी टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट पर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन। तो हम एक दूसरे मेथड से इस पॉइंट पर इस एलिप्सॉइड के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ एलिप्सॉइड, सॉरी हाँ यस एलिप्सॉइड इक्वेशन नंबर वन से जो डिनोट है एनी वन एट पॉइंट, और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है वो पॉइंट हमने मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन है, और इसको फाइंड करने का मेथड ये है जहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर एक्स वन एक्स रख देंगे, और जहाँ पर वाई स्क्वायर है वहाँ पर वाई वन वाई रख देंगे, जहाँ पर जेड स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर जेड वन जेड रख देंगे। इसको लिखना नहीं हमको, और भी है नहीं हमारे इसमें और टर्म के लिए, फिर हम और इस्तेमाल करते, यानी जैसे x होता है तो उसके लिए x प्लस एक्स वन बाई टू, इसी तरीके से y z के लिए भी। तो हम इसकी हेल्प से इस एलिप्सॉइड वन का इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख देंगे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट पेज पर। ये इक्वेशन हो जाएगा यानी हम इक्वेशन नंबर वन से एक्स वन एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वन वाई अपान बी स्क्वायर प्लस जेड वन जेड अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन नंबर थ्री डाल दें। इक्वेशन थ्री भी देख रहे हैं कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है एक्स वन वाई वन जेड वन पर, और इक्वेशन टू भी ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को जो कि डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को डिनोट कर रहे हैं, यानी हमारा इक्वेशन नंबर ये टू है और इक्वेशन नंबर जो थ्री है एक ही प्लेन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए इनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो सेम होगा इक्वेशन नंबर टू और थ्री से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, तो पहले हम इस बात को लिख दें कि ये दोनों एक ही
प्लेन को डिनोट कर रहा है. सिंस सिंस द प्लेन टू एंड प्लेन थ्री रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री में एक्स का कोएफिशिएंट है एक्स वन अपान ए स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर टू में एक्स का कोएफिशिएंट देखें एल के इक्वल है. इसी तरीके से इक्वल होगा वाई का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो है वाई वन अपान वी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर टू में देखें वाई का कोएफिशिएंट एम है. जेड का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर थ्री में जेड वन अपान सी स्क्वायर है, और इक्वेशन नंबर टू में देखें तो ये एन के इक्वल है. राइट हैंड साइड में यहाँ पर वन है इक्वेशन नंबर थ्री में, और इक्वेशन नंबर टू में पी है. तो इनकी हेल्प से हम पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. पहले तो इसको हम नीचे ले आएंगे, ये एक्स वन अपान ए स्क्वायर एल ऐसे लिखा जा सकता है. इसी तरीके से इसमें भी कर लें वाई वन अपान बी स्क्वायर एम स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एम जेड वन अपान सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू वन अपान पी. अगर एक्स वन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वाई वन की जेड वन की, तो फर्स्ट को लास्ट के इक्वल करेंगे तो एक्स वन मिलेगा. एक्स वन अपान ए स्क्वायर एल इज इक्वल टू वन अपान पी. ऐसी वाई वन की वैल्यू निकालना चाहते हैं सेकेंड को लास्ट के इक्वल कर दें बी स्क्वायर एम एम इज इक्वल टू वन अपान पी. ऐसे जेड वन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो थर्ड को फोर्थ के इक्वल कर दें. तो इस तरीके से हम एक्स वन की वैल्यू मिल जाएगी हमको. एक्स वन की वैल्यू इसका इधर इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर एल अपान पी. वाई वन की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल देंगे बी स्क्वायर एम अपान पी, एंड जेड वन की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर एन अपान पी. अब इस पॉइंट के बारे में हमको मालूम है, जैसे कि फिगर हमने बनाया था पीछे, ये पॉइंट ना सिर्फ इस प्लेन पर है बल्कि इस लेफ्ट साइड पर भी है. तो लेफ्ट साइड के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसे लेफ्ट साइड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें इस पॉइंट से. सिंस एक्स वन वाई वन जेड वन लाइज ऑन लेफ्ट साइड वन, देयरफॉर इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो एक्स वन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. अब जो हम वैल्यू निकाल चुके थे यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड के, से इक्वेशन नंबर फोर डाल दीजिए. तो फोर से ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे एक्स वन की वैल्यू. एक्स वन की वैल्यू है ए स्क्वायर एल अपान पी स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि एक्स वन अपनी एक्स वन वाई वन जेड वन अपनी तरफ से माने हुए हैं, इनकी वैल्यू को मैं पुट करना पड़ेगा. और जो गिवन है ए बी सी एल एम एन पी, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा. यही रिलेशन होगा कंडीशन जो हमको फाइंड करनी है. वाई स्क्वायर अपान ये है यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर जेड वन की वैल्यू है सी स्क्वायर एन अपान पी होल अप स्क्वायर अपान ये हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर. राइट हैंड साइड में वन. तो इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर फोर से वैल्यू रख दी, यानी यूजिंग इक्वेशन फोर, फोर का यूज़ किया. ये होल अप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए की पावर फोर एल स्क्वायर अपान पी स्क्वायर होल अपान में ए स्क्वायर है प्लस इसका भी होल स्क्वायर कैंसिल करेंगे बी की पावर फोर एम स्क्वायर अपान पी स्क्वायर होल अपान बी स्क्वायर है प्लस सी की पावर फोर एन स्क्वायर अपान पी स्क्वायर होल अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है. और जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए की पावर फोर एल स्क्वायर अपान पी स्क्वायर और ए स्क्वायर पहले से मौजूद है प्लस बी की पावर फोर एम स्क्वायर अपान पी स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले से मौजूद है प्लस सी की पावर फोर एन स्क्वायर अपान पी स्क्वायर और सी स्क्वायर पहले से मौजूद है. राइट हैंड साइड में वन. ए की पावर फोर
एक ही बार टू से कैंसिल होके सिर्फ एक ही बराबर टू बचेगी, ऐसे ही बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये पावर यहाँ पर टू बचेगी बी की, ऐसे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सी की टू पावर बचेगी। तो उसी को हमें अब लिखना है और जो कंडीशन प्रूव करनी थी वो करनी है। तो ये वैल्यू आ गई, अगले पेज पे हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में वन। पी स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस पी स्क्वायर का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस तरीके से भाई जो कंडीशन फाइंड करनी थी वो मिल चुकी है, यानी कोई प्लेन अगर किसी अगर प्लेन जो हमें इक्वेशन नंबर वन में टू में दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये इस एलिप्सॉइड को टच करेगा तो इनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ये रिलेशन होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी माकर दाबाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।